दूल्हा लग रहा हूँ। दूल्हे राजा दूल्हा लग हाँ अरे भाई की शादी, इसमें भी दूल्हा लगना ना। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं अभी आया था पंचर लगवाने के लिए जीजू की गाड़ी का, और उनकी गाड़ी को पंचर लगवाने आपको मैं दिखाता हूँ। इतना बुजुर्ग बंदा है और वो काम कर रहा है, यकीन माने ऐसा मेरा दिल हुआ तो मैंने अभी इसलिए वीडियो बनाई है। और अभी वो आते हैं तो मैं दिखाऊंगा, मैं उनसे कोई परमिशन लेके नहीं बनाऊंगा, वैसे ही इनको दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा आपको उनकी कितनी एज है, उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहे हैं, मांग नहीं रहे। मैं दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं वो बुजुर्ग बंदे हैं। और यकीन करें मैं बोलता हूँ बहुत बहुत बड़ी बात है, इनसे चला भी सही नहीं जा रहा, उनके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से, और मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। ऐसे बापों को भी जो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, नहीं चला जा रहा टांग में उनकी, आई थिंक से प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसे लग रहा है कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हुआ है, और फिर भी वो उसके बावजूद भी ऐसा काम कर रहे हैं, वाकई स्लूड है। वो देखो बिल्ली उसकी खाना खा रही है और वो उसको देख रही है। बेला ये क्या हो रहा है, दोनों मिलके खाना खा रहे हो? वो देखो बिल्ली उसकी खाना, पकड़ इसको, वो भाग गए। हाँ दोनों मिलके खाना खा रहे हो हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर पी। तो हम लोग आ जाए हैं हेलो इनकी मार्केट मैं इनकी वो लेनी है, मैक्सी लेनी है, और मैक्सी मुझे कितनी अच्छी लगी है आते सारी, और इन्होंने बोला नहीं वो नहीं, और भी वैरायटीज है वहाँ पे, और मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस कलर का पैंट कोट भी मैं सिलवा लूँगा, बाकी देखते हैं। इसके बाद आपको दुपट्टा दूंगा, शर्ट दूंगा, बेहतरीन दिखाने को बहुत ही वैरायटी। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताना कौन सा कलर पहनूं। मुझे एक चीज़ पसंद आई है ब्लैक कलर में, जैसे बोल रही थी, और ब्लैक कलर के ये क्या बोलते हैं उसको, स्कर्ट तो ले लिया, लहंगा मुझे ये पता भी नहीं, ये एक ही चीज़ है। और अभी देखते हैं, और उसके ऊपर दुपट्टा भी लगाया है उन्होंने येलो कलर के, दिखाते हैं मैंने सुबह से नाश्ता किया और नाश्ते फेस की हालत देखो मेरी क्या हो गई है। क्या खाना है हम आए इधर, ये क्या इसको बोलते हैं कचौरी वगैरह खाने के लिए, तो बहुत खाते हैं ये कचौरी, अच्छी होती है बहुत मज़े की, और गर्म है आराम से, बोला भी है गर्म है ना हो गया ठीक है। और हमने खा ली कचौरी और वो समोसे वगैरह जो भी थे। क्या क्या खाया आप? बोल रही मैं सब खाऊँगी और सब एक एक चीज़ ली है ना, कोई बात को इनके सब्सक्राइबर मिले और बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा मिलकर। तभी हम आ गए हैं पैंट कोट के लिए, और पैंट कोट रॉयल ब्लू कलर के, इनमें से तो थोड़ा सा इनमें डार्क होगा और काफ़ी अच्छा है, और वो मैं इनके साथ मैचिंग करूँगा तो वही लूँगा, और बस अभी यही सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी वो कलर ले आएँ, वो कलर दुआ करना मिल जाए, और अभी देखें क्या होता है। बहुत गंदी हो गई, और हम आए थे अभी, और हम तो जा रहे थे, मैंने बोला चलो घर चलते इनका टेस्ट पहले आज सारा जितना भी इनका कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा देखते अब देखते हमारे रेट बनते हैं नहीं। और मैं डिसाइड किया है ये और ये, और जब बन के आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कैसा बनता है। और ये भाई बनाते फ्रंट पे ये क्रीम सेंट के, सो भी देखते हैं इनसे रेट की बात होती है। हमारी शॉप है दूल्हा ड्रेस कॉर्नर, शॉप नंबर 3। हाँ जैसे ही आप इंटर होंगे क्रीम सेंटर में, सबसे पहले सेकंड दुकान इनकी है, तो भी देखते रेट बनते हैं या नहीं, बन जाएंगे। फाइनली इनका ड्रेस हो चुका है रेडी, और थैंक यू भाई मेरी बात रखने के लिए, लाजमी आप सबने इनकी शॉप पर विजिट करना है। अच्छा, इनका एड्रेस मेंशन कर दूंगी मैं, कैटलॉग दिखाना ठीक है, खुश हो? डन, मैं बच्चों में खुश होती हूं तो आप परेशान से ड्रेस, तो अभी मुझे भूख लग रही है, खाते के चोरी खाते ठीक है। दूल्हा लग हाँ अरे भाई की शादी, इसमें भी दूल्हा लगना चाहिए, क्या बोल? और अपनी शादी पे, अपनी शादी पे एक्स्ट्रा दूल्हा लग। सो गाइस अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, और भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था,
वो कचौरी सुबह से खाली वही खाई थी, कचौरी खाई थी, मतलब कि वो भी एक प्लेट खाई होगी, उसमें होती है छह होती है, छह या आठ ऐसी कुछ होती है। मैं तो उसमें दो खाए थे, सालन हाँ वो खट्टा नहीं, वो अचार था लेकिन सालन मजे का नहीं था। वो सदर में जो होते हैं ना क्रीम सेंटर के पास, उनकी बड़े मजे के थे, लेकिन वो हमने खाई नहीं। क्यों और आज इनको इतने इनके सब्सक्राइबर मिले, कितने फैन मिले थे? काफी दो तीन फैमिलीज मिली हाँ। और आज पता क्या हुआ, मैं ना उधर भी बाइक पार्किंग पे लगा रहा था, तो ना एक आदमी आया समझना, कहता है आदमी निकल गया था बाइक से, मुझे गुस्सा बहुत आया। और प्लीज यार आप अभी भी लोग देख रहे होंगे, ऐसे मत किया करो, बहुत ऑकवर्ड फील होता है, तो मुझे भी गुस्सा आएगा लाजमी सी बात है। बट ये कि थोड़ा सा ध्यान रखो करो, आपने मिलना होता है थोड़ा सा साइड पर आ जाया करो, और एकदम से ऐसे पब्लिक में नहीं किया करो, और प्लीज़ थोड़ा ख्याल करा करो इन चीज़ों का, जब मैं साथ होता हूँ खास तौर तो आप लोग समझदार हैं, मिलना होता है इंसान साइड पर रुक जाता है, ऐसे बुरा लगता है। काफ़ी लोग मिले हमें आज, मिले हाँ काफ़ी लोग मार्केट में, लेडीज भी मिली हैं, उन्होंने एकदम से साइड पर किया, लेकिन जेंट्स लड़के का अलग बात होती है, कोई ऐसे डायरेक्टली आए लोग बोलते हैं, हमें क्या पता कि वो फैन है या सब्सक्राइबर, ऐसे नहीं किया करो, एकदम से आवाज़ नहीं दिया करो, सेट पर रुक कर फिर ऐसे कर दिया करो। अब हमें जब हमें तो ये होगा कोई छेड़ रहा है तो गलत बात होती है, ऐसे नहीं मतलब कि रुक जाया करो साइड पे, हाय हेलो कर लिया करो, सॉरी ये बेटर रहता है क्या बोलते हैं। और अभी खाना मंगवाया और खाना जैसे आता है और ड्रेस भी दिखा, ये देखो ड्रेस दिखा रहे हो, और ऐसे क्या क्यों एक्साइटेड कर रहे हो लोगों को, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसे बोला क्या ड्रेस की समझ लग रही है, दिल्ली के अंदर बोली ड्रेस दिखाओ, नहीं बाद में दिखाना जब बन के आ जाएगा प्रॉपर, फिर तैयार होके हाँ क्या बोलते हो आप लोग, एक्साइटमेंट रहती है और फिर इंसान एक ही दफ़ा दिखा दिया, नहीं किन्मा ने मेरा दिल कर रहा है मैं सर मारूं इसके साथ और तोड़ दूं अपना सर, मैं खुद परेशान हो गया फर्स्ट टाइम कि यार ऐसे ही होता है, इतना मतलब कि इतना झंझट करने पड़ रहे हैं कि एक चीज़ के लिए इधर घूम रहे उधर घूम रहे, मैं बहुत आज तक पहले मुझे शॉपिंग में भी अपने कपड़े लिए, मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया, खाली माइयों का एक मेहंदी का भी लिया जाके, अभी मेरे शादी का और निकाह का रह गया है, खाली मेरी दोनों मेहंदी की चीज़ें रेडी हुई, बस वो पेंट कोट लेने हैं, वो तो बस कल साड़ी लेकर आऊँगी उससे, बहुत तंग करते हैं यार, सबसे लेडीज़ का कपड़ा लेना तो बहुत मुश्किल बात है। और इधर गर्मी हो रही थी थोड़ी सी, और इस वजह से मैंने जैकेट वगैरह उतार दी, और वो पड़ी है मेरी वो शर्ट और जैकेट, और अभी जल्दी से पहनते हैं, तुम तो निकलते हैं, सिस्टर लोग वेट कर रहे हैं, और अब इसके गोल्ड मार्क में चीज़ें लेनी हो, क्या लेना है बस क्या करें, बस थोड़ा सा काम है गंडे का करके, ये देखो जिसका काम है वही बोल रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रही है, तो मैं जो इतनी देर से आपके मम्मा को मैं बोल दूँगा वो ले लेंगे आपको, ठीक है मैं बोल दूँगा। और अभी मैं इसके साथ फिर आ गई गोल्ड मार्क, मैक्सी रह गई हाँ, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, मैं एकदम से नीचे उतरा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, तो बोल रहे हैं आप लोग शायद भाग रहे हैं, ऐसा नहीं था भाग नहीं था, मैं एकदम से जल्दी से उतर रहा था क्योंकि जीजू लोग आप आगे निकल गए थे, और इस वजह से किनको हाँ वो लोग नहीं आते वीडियोस में, तो इसलिए अभी मैक्सी की शॉप ढूंढ रहे हैं जैसी मिलती है, और इस बंदी ने आज मुझे बहुत घुमाया, सुबह से लेके 10 बज गए अभी तक, ऊपर शॉप चले अभी देख रहे होंगे एकदम से मैं गली में इसलिए क्योंकि वो गई हुई है ऊपर अपना ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, और मैं इधर खड़ा हूँ, और मैक्सी हमें मिली नहीं, और एनर्जी आ गई एकदम से, खाना खा के बहुत थकन हो गई थी, और सर में भी बहुत दर्द होती क्योंकि सुबह से कुछ नहीं था खाया, और अभी शुक्र है खुदा का सेट हूँ, और अभी वो जल्दी से आएगी, फिर हमने कल फिर जाना है, आज तो नहीं मिला मैक्सी, कल ही मिलेगी, और मैं अभी तक अपना ड्रेस नहीं लिया, बस मेहंदी के दोनों डन हो गए हैं, शादी का रह गया है, और अपना क्या बोलते हैं उसको निकाह का रह गया है, ये दोनों डन करने हैं, और बस उम्मीद करता हूँ हम लोग को ये वीलॉग पसंद आया, मेरी वीलॉग पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा तब तक के लिए, और हाँ कल का वीलॉग फिर इनके साथ होगा क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि इनकी चीज़ें रहती हैं, और वो चीज़ें मुझे कंप्लीट करवानी होगी, नहीं तो फिर मेरे सर में दर्द होती रहेगी, और अभी मैं इसलिए पोस्ट करूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीलॉग पोस्ट कर लिया करूँ, और अभी भी 10 बज चुके हैं, 10:30 हो गए हैं, तो वीलॉग नहीं आया, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी पोस्ट हो जाए ताकि आप लोग देख लें, और बस थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहना, अल्लाह हाफिज़।